हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मेरा सुबह हो रहा है कुछ 10 बजे के आसपास। नहीं, हम जल्दी उठ गए थे, मतलब हम 9 बजे उठे थे, मतलब एक घंटा पहले। सो उस घर का सारा काम हो गया क्योंकि मासी आके सारा काम करके चली गई है। और मेरा काम क्या होता है सुबह उठते ही? चाय बनाना। हाँ जी, तो हम चाय बना लिए हैं और ये देखिए चाय लेके बैठे हैं, बिस्किट है और इधर आरू का चाय मुढ़ी, क्योंकि अभी कुछ दिन से वो ऐसे चाय मुढ़ी खा रहा है, सूखा मुढ़ी खा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। मतलब जब मुढ़ी देखता है तो मांगने लगता है, खैर वो भी हेल्दी चीज़ है इसलिए हम उसको दे देते हैं। और अभी देखिए उसका तबीयत खराब है, कुछ दिन से उसका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी देखिए बच्चा जमीन में सोया हुआ। इसके वजह से हम कारपेट धो के बिछाए हैं कि ये कारपेट नहीं सोएगा, लेकिन ये फिर भी जमीन पे ही सोता है। और हम ना आरू के लिए कल ये लेके आए थे, ये बड़ा वाला बास्केट, क्योंकि उसका जो खिलौना है ना, इतना ज़्यादा खिलौना हो गया। मतलब लास्ट ईयर के बर्थडे पे भी बहुत सारा मिला था, इस साल के बर्थडे पे भी बहुत सारा मिला, और हम लोग तो जब बाहर जाते तो उसके लिए लेते ही रहते हैं। तो इतना सारा हो गया था ना कि घर पे मतलब हर जगह उसका खाली खिलौना ही हमको दिख रहा था, इसलिए हम ये वाला ले आए। बहुत यूज़फुल है और अभी इसमें तक ज़्यादा कुछ डाले नहीं थे, तो इसमें हम खिलौना क्या डालेंगे। इसमें आरू खुद इसमें घुस के खेल रहा है। तुमको भी बोलना है कुछ? चलो हाय कर दो, चलो हाय कर दो, हाय, गुड मॉर्निंग। अभी आरू नो बोलने सीखा है, तो हर चीज़ में नो नो बोलता है। अच्छा हाय कर दो, चलो गुड मॉर्निंग, बाय कर दो। सो फ्रेंड्स, मेरा मीशो का पार्सल आ गया है, ये देखिए सब धीरे धीरे आ ही रहा है। अभी 2 पार्सल आया है और इसको हम अभी अनबॉक्स करके देख रहे हैं, बट आपके साथ में अभी इस वीडियो में शेयर नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ ऑर्डर किए हैं, क्योंकि हर दिन एक दो करके पार्सल आ रहा है इसलिए। तो फिलहाल तो हम देख लेते हैं, आप लोग को दिखाएंगे बाद में। नाश्ता करने के बाद में आ गया माँ का वीडियो कॉल, और माँ कुछ फ्लावर्स लेके आई थी, सो मेरे को दिखा रही थी, और बहुत सुंदर सुंदर प्लांट लेके आई थी। और अभी ठंडा के टाइम पे ना ये गेंदा फूल बहुत ज़्यादा निकलता है, सो वो माँ लगा रही थी। और उसके बाद में आ गया विकास का भी वीडियो कॉल, क्योंकि वो ऑफिस में रह के भी 1 से 2 बार कॉल करते हैं बाबू को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कैसे हम उसको संभाल रहे, शायद इसलिए कॉल करते हैं। खैर कोई नहीं, एंड उसके बाद में हम इधर घर साफ़ कर लिए, थोड़ा बहुत जो भी सफाई वगैरह करना था वो सब कुछ करके, और बहुत सारा कपड़ा से धो के ना रखे हुए थे, 1-2 दिन के लिए मेरा रह जाता है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है फोल्ड करने के लिए। टाइम क्या नहीं मिलता है, सच बताए तो मेरे को कपड़े फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा कोड़िया आता है, सो इसीलिए हम उसको ऐसे रख देते हैं। एंड उसके बाद में हम मोड़ के फाइनली रख दिए, एंड उसके बाद में इधर खाना बना रहे और किचन साफ़ कर रहे हैं, एंड उसके बाद में हम लोग कहीं जाने वाले, कहाँ जाने वाले वो हम आपको आगे वीडियो में बनाएंगे, इसलिए आज हम फटाफट काम कर रहे और किचन भी लगे हाथ साफ़ कर ले रहे हैं। उससे ना मेरे को लगता है ये काम मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कम हो गया है। एंड उसके बाद में हम खाना निकाल लेते क्योंकि विकास ऑफिस से आ गए हैं, सो आज खाने में बना था चिकन चावल दाल, सो वही हम निकाल रहे हैं, एंड उसके बाद में हम थोड़ा देर आराम करेंगे। सो फ्रेंड, फिर से मेरा ऑर्डर आ गया है, 2 ऑर्डर फिर से मीशो से, तो चलिए देख लेते हैं खोल के कि इसमें क्या है। सल ओपन करने के बाद में विकास बोले कि चलो हम लोग पौधा लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो बगान का हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, मतलब लगातार 3-4 दिन बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से ना हमारे जो भी पॉट है ना उसमें ओवर वाटर हो गया, जिसकी वजह से ना हमारा जितना भी प्लांट्स है ना वो मर गया, या तो सड़ गया या तो फिर मतलब अजीब सा हो गया, और गमला वगैरह भी टूट गया है, और थोड़ा सा हम लोग भी ना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे कि कुछ नया प्लांट्स लेंगे। और
और हम लोग इधर आ गए हैं प्लांट लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गेंदा का फूल है और भी बहुत सारे प्लांट्स है, बट यहाँ पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा आगे चलते हैं। और आगे में और एक अंकल है जो शॉप लगाते हैं प्लांट्स का, उनके पास भी काफ़ी अच्छा अच्छा प्लांट रहता है। सो हम लोग फाइनली यहाँ से ही सारा प्लांट लिए, कुछ कुछ मतलब शो प्लांट्स वगैरह ही लिए थे, एक दो फ्लावर प्लांट्स लिए थे, और ये गेंदा फूल का प्लांट हम लोग नहीं लिए। हम लोग सोचे कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्राइस हो गया था ना, तो हमने सोचे कि नेक्स्ट मंथ ले लेंगे उसको। सो क्योंकि अभी ठंडा काफ़ी टाइम रहेगा, एंड उसके बाद में हम लोग घर वापस आते वक्त ये हम लोग को मासी दिख गई, तो उनको बोल रहे चलिए आइए बैठिए, कहाँ जाना है छोड़ देंगे। सो इसीलिए वो हंस रही और हम लोग भी काफ़ी तेज़ का हंसने लगे, मतलब कितने परफेक्ट टाइमिंग पे हम लोग घर पहुँचे, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो मासी वापस चल जाती, तो सारा काम हमको करना पड़ता। तो मासी काम करके चली गई है, तो अब हम बना रहे हैं कॉफ़ी, क्योंकि ठंडा आ गया है ना, तो अब हम लोग चाय से कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। सो अभी धीरे धीरे हो रहे हैं, सो हम ये कॉफ़ी यूज़ करते हैं ब्रू का इंस्टेंट कॉफ़ी। हम लोग जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि हम बहन लोग को बोले थे कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब हम लोग आराम से मतलब सेटल डाउन सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद हम तुम लोग को पार्टी देंगे, क्योंकि तुम लोग मेरा बहुत हेल्प किया है घर सफाई से लेके सब कुछ करना, बर्थडे वर्थडे सब में बहुत हेल्प किया था। सो कहाँ जा रहे, क्या ट्रीट दे रहे, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले कॉफ़ी पी के फटाफट से तैयार हो जाते हैं, उन लोग को भी लेना है और फिर जाना है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, एक हिंट दे देते हैं, वो चीज़ हम हमेशा खाते हैं, मतलब आपको जनरली हर वीडियो में मेरे को मिल जाएगा कि हम आज हम ये खा रहे हैं, मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। तो बताइएगा क्या है, अगर आप जान गए हैं कमेंट में, अगर नहीं जाने तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। सो बहन लोग को लेके हम लोग आ गए KFC। यस, मेरा फेवरेट। और अगर आपको KFC का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो देखिए इस पे लिखा हुआ है कि KFC का फुल फॉर्म क्या है, हमको भी आज ही पता चला। एंड खाने के बाद तो शॉपिंग करना बनता है। सो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और ठंडा आ गया है, तो जितना भी आपके पास स्वेटर हो फिर भी आपको लगता है कि नहीं इस ठंडे में कुछ और ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राई किए ये फुल टी शर्ट रेड वाला, जिसका फिटिंग बहुत अच्छा था और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था। सो हम ये वाला फाइनल किए एक लेने के लिए, और एक स्वेट शर्ट देखे थे जो कि ये वाला है, और इसका भी फिटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमको लग नहीं रहा था कि हम इसमें अट जाएंगे, क्योंकि ये देखने से बहुत छोटा लग रहा था, पर आ गया तो हम ये भी ले लिए। और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, और देखिए ना चांद आज कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि आज था करवा चौथ, शायद इसीलिए चांद इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।